देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नहीं मैडम जी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा और ना ही आपके साथ घर वापस जाऊंगा। आप यहाँ से जाइए। अपने मैडम जी के प्यार का, भरोसे का ये इनाम दोगे तुम उन्हें? और तुम ही कहते थे ना मुझे कभी दुखी नहीं देखना चाहते, तो ये क्या है, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? कृष्णा, कैसे कैसे हालातों का सामना करके, कितने लोगों से लड़ाई लड़के तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल पाई थी मैं, तुम वापस यहाँ आ गए। एक सच जानने से तुम्हें क्या लगता है मेरे तुम्हारे बीच का कुछ बदल गया है? अरे मैं तो अब भी तुम, मैं तो अब भी तुम्हारे साथ हूँ कृष्णा। चलो यहाँ से, अब दरवाजा खोलो, बाहर आ जाओ प्लीज। नहीं मैडम जी, आपने जो मेरे लिए किया है उसकी कीमत चुकाना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं कहीं पे भी रहूं, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आपको हमेशा याद रखूंगा मैं। लेकिन अभी मैं आपके साथ घर नहीं जा सकता, मुझे समझने की कोशिश कीजिए ना मैडम जी। तुम मुझे समझने की कोशिश करो कृष्णा, ये जगह ना तब तुम्हारे लिए थी ना अब तुम्हारे लिए है, और मैंने जो तुम्हारे लिए किया वो एहसान नहीं था, ना ही तुम पे तरस खाकर कुछ किया। मैं सब समझाऊंगी, बाहर आ जाओ प्लीज। दो घंटे ज्यादा हो गए तुमको यहाँ खड़े खड़े, ना यशोदा आई है ना उनके साथ कोई आया है, अब क्या यहाँ खड़े खड़े रात भी नहीं कर दोगी क्या? अरविंद आ रहा है सामने से, ठीक है हम गिरने जा रहे हैं, अब नाटक शुरू कर दो कि हमारी बीबी बेहोश हो गई, ठीक ऑन। अरे अरे कामिनी, अरे जीजी, अरे आंखें खोलो कामिनी, कामिनी जीजी, जीजी क्या हो जीजी को? मैं दो दिन से कुछ भी नहीं खाया, अन्न खाया एक बार नहीं खाया, तो बाबू ने इससे कहा कि तुमको अपने पापों को प्रायश्चित करना है तो यही खड़े रहना। दो घंटे से यहाँ खड़े खड़े चक्कर आ गया कामिनी को, इसकी गलती के लिए माफ नहीं कर देते। और अरविंद, हम तुम्हें हमारी मदद कर सकते हो, बाबू जी से कहो कि हमारी कामिनी को उसकी गलती के लिए माफ कर दे। कामिनी आके खोलो, कामिनी। कामिनी आंखें खोलो, अरविंद गया, खोलो। कृष्णा दरवाजा नहीं खोल रहा है, उसके साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर उसने गुस्से में कुछ अंदर उल्टा सीधा कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए आप जाइए, मैं पुलिस बुलाती हूँ, वो सब हैंडल कर लेगी। क्या हैंडल करेगी पुलिस, बताइए मुझे जरा, दोबारा इस बच्चे की जिंदगी नर्क में झोंक देंगे वो लोग। आई एम सॉरी, प्लीज, वो नाराज है और उसकी नाराजगी की वजह से दोबारा इस अनाथ आश्रम के हवाले नहीं कर सकती मैं उसे। सुन रहे हो तुम कृष्णा, मेरी खातिर बाहर आ जाओ प्लीज। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं तो चली जाऊंगी, एक बार दरवाजा खोलो बाहर आओ और मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। एक बार कह दो कि मेरे तुम्हारे बीच जो रिश्ता है वो तुम तोड़ रहे हो, कुछ नहीं बचेगा इसके बाद हमारे बीच। कह दो कि
कि कुछ पल के लिए तुमने मुझे जो दूसरी माँ माना था, वो प्यार, वो हक तुम खत्म कर रहे हो। कुछ नहीं मानते अब तुम मुझे। बाहर आकर कह दो कि तुम्हारी माँ ने, माला ने मेरे और तुम्हारे बीच जो डोर बांधी थी वो तुम तोड़ रहे हो। बस एक बार बाहर आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे सारे सवालों के जवाब दो, मैं चली जाऊंगी। कुछ नहीं बोलोगे ना तुम? ठीक है, मत बोलो, पर एक बात सुन लो। जब तक तुम बाहर आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं देते, मैं यहां से नहीं हिलूंगी। कामिनी। अम्मा, कब से जीजा जी से कह रहे हैं कि डॉक्टर के यहाँ लेके चलते हैं, लेकिन मान ही नहीं रहे। अरे नहीं जाएगी डॉक्टर के यहाँ, इसने हमको सोनू की कसम दे रखी है कि जब तक आप लोग इसे माफ नहीं करेंगे नहीं जाएगी डॉक्टर के पास। अब क्या करें, सोनू की जान आफत में डाल दे। कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी आप। अरविंद तू पानी ले क्या। कामिनी उठो बिटिया। ये जीजी सच में बेहोश है कि बस नाटक कर रही है। एक तो इनका रिकॉर्ड इतना बढ़िया है ना कि इनकी सही बात पर भरोसा करना भी मुश्किल हो जाता है। उठो कामिनी। कामिनी उठो, उठो बिटिया। और पानी लो, और पानी लो। कामिनी। जीजी। अरविंद तेरी जीजी को तो होश ही नहीं आ रहा। तू ऐसा कर रिक्शा ले आ, हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अम्मा डॉक्टर नहीं मिलेगा इस वक्त, ऐसा करते हैं अस्पताल ले चलते हैं, कोई भी कमी पेशी होगी वो लोग देख लेंगे। अरे पर उसके लिए भी तो रिक्शा मंगाना पड़ेगा ना महुआ, गोद में उठा के थोड़ी ले जाएंगे। हाँ। अरे कामिनी उठो, ये लोग तुमको रिक्शे में बिठा के अस्पताल ले जाने की बात कर रहे हैं। अगर अस्पताल में भर्ती करा दिया तो हमारे पैसे खर्चे हो जाएंगे और तुम्हारे मोटे मोटे इंजेक्शन खोसेंगे डॉक्टर। तुम ठीक हो ना बिटिया? अम्मा अम्मा हम सपना तो नहीं देख रहे अम्मा। कामिनी ये खाना पीना छोड़ देने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम नाटक नहीं प्रासजी थे। हाँ। देखो हमने इतने दिन से खाना नहीं खाया, हमारा पेट भी लूज हो गया। हाँ अम्मा तुम माफ कर दो, फिर हम खाना खा लेंगे, पक्का खाना खा लेंगे। अम्मा अम्मा तुम्हारा दिल दुखाया। हमारे अलग से दीवाला भी नीचे नहीं उतरेगा। अम्मा माफ कर दो। कामिनी एक झापड़ देंगे ना अभी तो सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। दामाद जी ले जाइए इसे और जाकर कुछ खिलाइए। नहीं खाएगी, जिद है उसकी। जब तक आप लोग इसको माफ नहीं करेंगे थप्पड़ खा लेगी लेकिन खाना नहीं खाएगी। माफी देने का फैसला बाद में होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। गलती चाहे कितनी भी बड़ी कर ले, आखिर बेटी तो हमारी ही है। अम्मा
ठीक है ये नौटंकी बाद में करना, पहले जाओ और कुछ खा लो, जाओ। हाँ कामिनी उठो, थोड़ी हिम्मत करो, अम्मा है वो तुम्हारी, तुमको कुछ भी कह सकती हैं, डांट सकती हैं, मार सकती हैं। और सुनो बाबूजी भी तुमको बहुत मानते हैं, तभी तो इतनी बड़ी तुमको जिम्मेदारी यहाँ दे के खुद मंदिर चले गए। मंदिर जी? क्यों? ताकि यशोदा जब कृष्णा को लेकर यहाँ आए तो कामिनी यशोदा को बता सके कि अगर तुम कृष्णा को लेकर घर में आओगी तो बाबूजी घर में नहीं आएंगे। बाबूजी मंदिर में? हाँ उनको गए हुए काफी देर हो गई। अम्मा अरे सुनो भैया जूस ले आओ जाके, इसके लिए बेचारी बहुत कमजोर हो गई है। अरे रिक्शा लेके आए, डॉक्टर के यहाँ लेके चलते हैं ना। अरे डॉक्टर से कुछ नहीं होगा, जो होगा जूस से होगा। जाओ इसी रिक्शा में बैठ के चले जाओ, जाओ जूस ले आओ भैया, जाओ जाओ जाओ। चलो भैया। वंसल जी चलिए, वंसल जी काम हो गया। सही में जीत जी, बहुत बड़ी ड्रामेबाज हैं आप। मास्टरनी, अरे जानते हो, देखो बंसल जी अपना आधा काम तो हो गया, बाकी का आधा काम ना समय देख कर। मम्मी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आज तो मम्मी को फोन कर रही हो और उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा होगा। अब बैठो आस्था, बैठो। एक बात बताओ, जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम मुंह फुलाकर कमरे की ओर क्यों चल देती हो? हाँ जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना तो तुम्हें उसका विरोध करना सीखना चाहिए। ये तुम्हारी मम्मी ने समय से गायब है घर से, बच्चों की फिक्र छोड़ के ना उस कृष्णा को ढूंढ रही होंगी पागलों जैसे हर तरफ। इस बात का जो गुस्सा है ना उसे जाया मत जाने दो, बल्कि उससे सवाल उठाओ, पूछो अपनी मम्मी से कि क्यों है ऐसा, क्यों अपने बच्चों को छोड़कर उस लवारिस कृष्णा पर अपना समय जाया करनी है। हा? ये गुस्सा गलत नहीं है आस्था, बिल्कुल सही है ये गुस्सा। चाची आप दीदी को भड़काने की कोशिश मत करिए, मम्मी जरूर कृष्णा भैया को ढूंढने गई होंगी और वो नहीं मिले होंगे तो उनका फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। इतनी सिंपल सी बात को आप उल्टा घुमाकर क्यों बोल रही हैं? और चाची आप तो टीचर हैं, तो आप गलत क्यों पढ़ा रही हैं? और आस्था दीदी अगर आप मम्मी से गुस्सा है तो आप अपने तरीके से बात करिएगा, चाची के तरीके से नहीं। चलिए अंदर। नुपुर तू मुझे मत सिखा, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। क्या बचपना है ये, क्यों जिद कर रहे हैं आप? घर चलिए ना। यशोदा आ गई? आ जाएगी वो भी। आ नहीं जाएगी, बल्कि जब तक वो नहीं आती है हम यहीं रहेंगे। हमारा घर जाने का फैसला निर्भर करता है यशोदा के साथ कृष्णा के आने पर, और अगर कृष्णा यशोदा के साथ आया तो हम घर नहीं जाएंगे। अब तो ये भी हमारी जिद है। अरे अशोक के बाबूजी सुनिए तो सही, ये क्या जिद पकड़ के बैठे हैं आप? हाँ हमारी बात तो मानिए आप, ये क्या मजाक बना रखा है आपने कि घर नहीं आऊंगा? अशोक घर छोड़कर क्या गया, तब से सभी घर आने को मना कर रहे हैं। उसके घर छोड़कर जाने से क्या कम बेइज्जती हो रही हमारी, जो अब आप भी यहाँ आकर बैठ गए। अशोक के बाबूजी घर चलिए ना। बस मालती हमें कुछ नहीं सुनना समझना, तुम जाओ यहां से, हम यहीं बैठेंगे।
और यशोदा आ जाए तो हमें आकर बता देना। घर का ससुर मंदिर में आकर बैठ जाए तो कम बेइज्जती की बात है, लेकिन घर की बहू घर से चली जाए ये बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात है। तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम अभी दरवाजा खोलोगे और अपनी मैडम जी से जाके मिलोगे? मैडम जी को जानता हूँ, वो नहीं जाएंगी यहाँ से, यहीं बैठी रहेंगी और घर में छोटी बेबी बड़ी बेबी और बाकी सब घर वाले उनका इंतजार कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे सब। लेकिन तुम ये सब मत सोचो कृष्णा, आखिर कब तक बैठी रहेंगी? अगर तुम उनके साथ चले गए तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी मैडम जी चाहे जो कहे, तुम्हें कितना भी सपोर्ट करे, लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि उनका पति ही तुम्हारा बाप है। इस बात के साथ तुम नुपुर और बड़ी बेबी का सामना कैसे करोगे? ये मत भूलो कि उनके सामने ही इतनी सारी बार तुम अपने बाप को भला बुरा कह चुके हो। कृष्णा, तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर चला गया है, माँ मर गई है, तुम अकेले और एक अनाथ हो, यही तुम्हारी सच्चाई है और यही तुम्हारी किस्मत। इसे स्वीकार करो कृष्णा और इसे ही अपना घर मान लो, इसी में सबकी भलाई है। कृष्णा ने भी अपने परिवार का ख्याल है, आखिर कितने देर यहाँ रहेंगी? थोड़ी देर रहेंगी और फिर चले जाएंगे अपने परिवार के पास। मेरी मानो तुम उनके साथ बिल्कुल मत जाना कृष्णा। मैडम, आपको यहाँ आए 2-2.5 घंटे से ज्यादा हो गया और कृष्णा अभी तक बाहर निकला नहीं है, और मैं समझती हूँ कि आपके यहाँ रहते वो निकलेगा भी नहीं। तो ऐसा करिए, आप जाइए, हम उसे समझा बुझा कर बाहर निकाल लेंगे और उसका ख्याल भी रखेंगे। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए या वो नॉर्मल हो जाएगा तो मैं आपको टेलीफोन करके इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, प्लीज आप जाइए। मैडम, आप फिर बेकार की कोशिश कर रही हैं। कृष्णा, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अनजाने में मैंने तुम्हारे बाप से भी वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगी, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। और इसके अलावा ये भी सच है कि पता नहीं कब तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते मैं तुमसे प्यार करने लगी। उस समय तक मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि एक दिन तुम्हारी वजह से मेरा घर तिनकों की तरह बिखर जाएगा। मैं तुम्हें इस बात का गुनहगार नहीं मानती हूँ, शायद हम दोनों की किस्मत में यही लिखा था। कितनी बार तुमसे नफरत भी करनी चाहिए, नहीं कर पाई मैं। कैसे करती? रिश्तों को समाज की नजरों से तोलना कभी आया ही नहीं मुझे। अपने पति की बेवफाई भी तुम्हारी मोहब्बत पर हावी नहीं हो पाई।
मुझे हमेशा लगता था कि तुम अपनी माँ की तरह जो फैसले लेते हो उन पर अड़िग रहते हो, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि तुम्हारे अंदर अपने बाप का खून भी तो है। वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाया, अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा पाया, तो तुम क्या उठाओगे? नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है कृष्णा, तुम्हारे खून में तुम्हारे बाप का असर ज्यादा है। तुम्हारे माँ का कम, जिंदगी भर अपने बाप से इसीलिए नफरत करते रहे क्योंकि वो तुम्हारी माँ को छोड़कर चला गया। आज तुम मुझे छोड़कर मेरे साथ वही कर रहे हो, तो बनो अपनी बाप की तरह। मैं जा रही हूं, लौटूंगी नहीं। भगवान तुम्हें खुश रखे।